कल से जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जारी था। अगर हम जिला रामन की बात करेंगे तो इस वक्त हम मौजूद हैं मैत्रा गोविंदपुरा, ये पंचायत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये मकान है, वो पूरा तरह से जो है वो क्रैक हो गया है और लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और ये 9 मार्च को यहाँ पे पहले जो मकान ये इस पंचायत के जो फैमिली थी वो अफेक्ट हुई थी, और आज हम आपको दिखाएंगे कि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और किस तरह से लोग जो है ये हार्डवेयर की शॉप है जो यहाँ पे जो है सामान निकाल रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं दरारें जो है जिसमें शॉप को पड़ी है और ये पूरी तरह से वो डैमेज हो गया है। और ये हमारे साथ इस शॉप का ओनर है, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि आप ये खाली क्यों कर रहे हो, क्या वजह रही है। सर वजह यही है, बस बारिश का सिलसिला रात 2-3 दिन से लगातार है और इसमें मकान में दरारें ज्यादा से भर रही है। मतलब कल थोड़ी सी थी, आज और मतलब आज बिल्कुल खतरे के मानना है। ये तो कितना सामान था यहाँ? सामान है 15-1 लाख के आसपास है सर। तो आप देख सकते हैं कि ये सामान हार्डवेयर का पड़ा है यहाँ पे, और एटलीस्ट 10-15 लाख का जो सामान है यहाँ पे इसको खाली कर रहे हैं और दूसरी जगह जो सेफ जगह पे है उनको ले रहे हैं, इस सामान को शिफ्ट करें। आप देख सकते हैं कि ये क्रैक्स पूरा जो है वो हो गया है इस मकान पे, और इसके राइट दाएं बाएं जो जितने भी ये मकान है वो भी जो है वो टेंशन में है कि कभी ये कभी भी कुछ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं यहाँ पे, और तो फिर एक शख्स यहाँ से जाने की इसके जाने की कोशिश करेंगे। सर ये आज तक जो है कंटिन्यू बारिश भी हो रही है और यहाँ पे मकान पूरी तरह से क्रैक हो गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? सर कबला जी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी, जबकि 4 मार्च को जोरदार बारिश थी तो हमने एक रिटन कंप्लेंट की कि महकमा पीएमजी बस की गफलत और लापरवाही वजह से ये जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज न होने की वजह से सारा रोड का पानी आकर और इन मकानों को नुकसान पहुंचाया है, और इस वक्त भी 2 रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक टीम जो है मौके पर रवाना की जाए ताकि वो जायजा ले सकें और उसके बाद जायज अहकाम जारी करेंगे और ड्रेनेज का सिस्टम करेंगे, क्योंकि रोड जो है दलित रोड फैमिली यहाँ पे भी अफेक्टेड हुई है। यहाँ जनाब 15 से 20 फैमिली जो है इस वक्त मकान खाली करके चले गए, और जो कि ग्रेवयार्ड के नीचे 12 फैमिलीज हैं जो इस वक्त खतरे में है, बहुत ही खतरे में है, क्योंकि पानी आप मौके पर देख रहे हैं कि पानी का इतना जोर है, और इस वक्त दुकानें भी लोग खाली कर रहे हैं और फैमिली जो परेशान है, रात को नींद करना मुश्किल होगा। सर डर तो बहुत लगता होगा, डर तो बहुत है सर, डर तो है कि न जाने किस वक्त क्या हो जाएगा। और आपने अभी अभी देखा कि परनोट में क्या हालत हुई, और वो मंजर देखकर ज्यादा ही घबराए हुए हैं लोग, ज्यादा एडमिशन की रिक्वेस्ट की जाती है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बारिश में लगभग काफी जो बता रहे थे हमारे पड़ोसी के 20 घर, मैं तो बोलता हूँ ऊपर गिनती करने तो 40 घर गज में आते हैं इसमें ये, और उसमें भी है पूरा मोहल्ला है समझे, और ये थोड़ा सा ऊपर पानी का मसला लगातार ड्रेनेज का मसला है, और ड्रेन का कोई ज्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा कट मार के उसको नाले में पहुंचा दिया जा सकता है। हम भी काफी बार गए राजस्वी के पास भी गए कि जरूर करेंगे इस बात को हम, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम पुनः उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस जैसा हाल वहाँ हुआ परनोत में, तो ऐसा भी यहाँ होने वाला ही है समझो ना, क्योंकि बचने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बुरा ही हाल है, वहाँ तो प्लान जमीन फट गई, यहाँ तो फटी हुई जमीन है, और बड़े सारे लोग यहाँ से तरह घर छोड़ के खाली चले गए। मेरे पीछे सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, जरा मैं थोड़ा सा अगर कैमरा घुमाएंगे आप उसे, तो ये बेचारे बड़े हम लोग मेरे पड़ोसी थे हम सभी, ये तो इधर भी बहुत ये खाली करके और चला गए, और उसके बाद आप देखिए देखो सामने चला है। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये नाला है, और यहाँ इसके साथ में एक
ये मकान है वो पूरा ऑपरेटिव क्रैक हो गया, आप देख सकते हैं नाला कितना तेजी से आ रहा है, और इसके साथ में जो मकान है वो पूरी तरह से क्रैक हो गया है। तो ये जो पानी है सर, इस पानी का भाव जो है तीसरे नाले में जा सकता है, ऊपर से ड्रेन है, उस ड्रेन को नाले लिए जा सकता। आप इस साइड अगर घुमाएंगे, ये सारा जो नाला है, सारा जो एरिया है, ये सारा मोहल्ले में जाता है, और इस मोहल्ले में ड्रेन से झरना पानी चला गया, ऊपर से कुछ ज्यादा मसला नहीं, एक दो ड्रेन है, अगर उसको नाले में डाल दिया जाए, पहले साइड में नाले में जा सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन ये होगा एलजी साहब से, यहाँ से डीसी साहब से, डीसी साहब बेचारे बहुत अच्छे हैं, हम उनको बड़ी बार गए भी, तो मुझे पता है कि वो अभी बहुत बिजी हैं इस वक्त, और हम फिर जाएंगे उनके पास कल बाद, हमें विश्वास है कि वो इस इशू को जो है अच्छे ढंग से लेंगे और ये हमारा मसला सबका हल करेंगे। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो कहर इस वक्त पूरे छाया हुआ है, इस कहर से हम लोग कैसे बचें, ये प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, इस कहर से बचेंगे। और मेरा यहाँ इंतजामिया से यही निवेदन है कि थोड़ा सा अगर यहाँ भी गौर किया जाए तो अभी हम बच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद जय भारत। ठीक, ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग, और इनका यही कहना है कि हम जिला इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है काफी हाई रिस्क है, और यहाँ पे जो है कंजेक्शन बहुत ज्यादा है, और ये स्लाइड मोड पे या ये जो हाउसेज हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर इस तरह का जो बारिश कंटिन्यू रहेगी, लगातार बारिशें होंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी। और आप देख सकते हैं कि स्लाइड मोड में है, और ये ज़बरदस्त इस वक्त का जो है पानी का बहाव है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके अराउंडिंग में जितने भी ये मकान हैं वो यहाँ से विकेट कर दिए हैं, उन्होंने अपने आप को जो है वो यहाँ से निकले हैं, सामान में निकाला गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिला इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पे टीम भेजे और जायजा लीजिए, और हमारे जो हमारे हमको जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो उन्हें वो जल्दी फौरी तौर पर वो इन पे कार्रवाई करे, ताकि ये लोग जो है वो अफेक्टिव नहीं होगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि परनोद के इलाके में लैंड सिंक होने की वजह से तकरीबन 500 फैमिली जो वहाँ पे अफेक्टेड हो गई है, और वो आज रिहैब स्टेशन इस वक्त जो है वो ये क्या बोलते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे उनको शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पे इंतजामिया की तरफ से जो है टेंट वगैरह लगाया गया है। कमेटी हॉल में तरह की बात करके तो वहाँ पे फैमिलीज को उनको रखा गया है, और कि उन लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि उन्होंने जिंदगी भर की कमाई जो थी वो एक मिनट में जो है वो तबाह हुई है, और पूरे मकान वहाँ डैमेज हुए हैं, और जिले इंतजामिया और रामन में खासकर इस वक्त जो है परसों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट रामन, यहाँ पे जो है बारिशें कंटिन्यू और लैंड सिंक होने की वजह से, और ये वजह यही रही है कि यहाँ पे खासकर जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, डेवलपमेंट का वर्क भी चल रहा है, उसके वजह से अगर परनोद एरिया की बात करेंगे तो वो सॉइल ओरिजिन की वजह से वहाँ बिग जो डिसास्टर की वजह से जो नेचुरल वहाँ पे आफत आई, और जिसके वजह से हजारों जो तकरीबन 400-500 जो हाउसेस हैं वो वहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं, और फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, और उनका कमाई भर की जो जिंदगी है वो पूरी ख़त्म हो गई है। और जिला इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट की जाती है यहाँ के बोइनपोर के जो लोग हैं वो उनको ये उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो सेफ जगहों पे शिफ्ट किया जाए, जो यहाँ से खाली लोग यहाँ जो घरों से निकल गए हैं, मकान छोड़े हैं, वो अफेक्टेड भी हो गए हैं। शुक्रिया, जो भी अपडेट होगा कश्मीर काउंट पे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रामन से मलिक मुदस्सर की ये खास रिपोर्ट।